संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति एवं अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद नहान का शुक्रवार को निधन हो गया। राष्ट्रपति मामलों के मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। राष्ट्रपति जायद अल नहान 73 साल के थे और काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। सरकार की ओर से जायद अल नहान के निधन पर 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इसके अलावा देश के सभी निजी और सरकारी सेक्टर्स में 3 दिनों के लिए अवकाश रहेगा। दुबई मीडिया ऑफिस की ओर से राष्ट्रीय शोक के ऐलान की जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति के मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात, अरब तथा इस्लामिक राष्ट्र एवं दुनिया के लोगों को यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री शेख खलीफा ने 3 नवंबर 2004 से यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। वे अपने पिता मरहूम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के उत्तराधिकारी चुने गए थे। शेख जायद ने 1971 से 2 नवंबर 2004 तक अंतिम सांस लेने तक यूएई के पहले राष्ट्रपति के तौर पर देश की सेवा की थी। शेख खलीफा अमीरात के 16वें शासक थे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शेख खलीफा का जन्म 1948 में हुआ था और वह यूएई के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी अमीरात के 16वें शासक थे। वह शेख जायद के सबसे बड़े साहबजादे थे। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद यूएई में तेजी से विकास हुआ। शेख खलीफा को एक अच्छा श्रोता, विनम्र और लोगों की बातों में गहरी दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता था। उन्हें यूएई के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे।